क्या आप जानते हैं कि धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ? यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी, बहुत ही छोटे छोटे जीवों से, जिन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ये जीव इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इनकी सादगी को देखकर धोखा मत खाइए। ये छोटे जीव जिंदा रहने के लिए जरूरी सभी काम खुद कर सकते हैं। सच में हम इंसान समेत सभी बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीवों से ही विकसित हुए हैं। एक कोशिकीय जीव दिखने में, अपने आकार में और जीने के तरीके में बहुत अलग अलग होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे शैवाल सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे पेड़ पौधे करते हैं। इन्हें उत्पादक कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा और पैरामीशियम दूसरे जीवों या उनके मरे हुए शरीरों को खाते हैं। इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। एक और तरह के एक कोशिकीय जीव होते हैं जिन्हें अपघटक कहा जाता है। ये जीव मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को तोड़कर पोषक तत्वों को वापस पर्यावरण में छोड़ देते हैं। बैक्टीरिया और कवक अपघटकों के उदाहरण हैं। यह विविधता हमें दिखाती है कि एक कोशिकीय जीव धरती पर जीवन को बनाए रखने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अलग अलग तरह के वातावरण में पाए जाते हैं, समुद्र की गहराइयों से लेकर ज्वालामुखी के गर्म पानी के स्रोतों तक, और जीवन के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर सभी जीव एक ही सेल से बने हैं, तो फिर जटिल जीव जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर और इंसान कैसे अस्तित्व में आए? यह एक धीमी प्रक्रिया द्वारा हुआ, जिसे विकास कहा जाता है। विकास के दौरान एक कोशिकीय जीवों ने एक साथ आकर समूह बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में ये समूह ढीले ढाले थे और हर सेल स्वतंत्र रूप से काम कर सकती थी, लेकिन समय के साथ सेल्स ने एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना शुरू कर दिया। वे खास कामों को करने में माहिर होने लगी और एक दूसरे पर निर्भर हो गई। यह सहयोग और विशेषज्ञता बहुकोशिकीय जीवों के विकास का कारण बनी। बहुकोशिकीय जीव वे जीव हैं जिनके शरीर दो या दो से ज्यादा सेल्स से बने होते हैं। इन सेल्स को ऊतकों, अंगों और तंत्रों में व्यवस्थित किया जाता है, जो मिलकर एक जीव के रूप में काम करते हैं। विकास का सफर एक सेल से अनेक सेल्स तक, एक सेल से बहुकोशिकीय जीव के विकास का सफर एक लंबा और जटिल था। यह लाखों सालों में हुआ, जिसमें कई छोटे छोटे बदलाव हुए। इनमें से कुछ प्रमुख बदलावों में शामिल हैं: कोशिका विभाजन एक कोशिकीय जीवों में सेल विभाजन प्रजनन का एक रूप है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में सेल विभाजन का उपयोग विकास, मरम्मत और शरीर के अलग अलग कामों को करने के लिए किया जाता है। कोशिका भेदभाव। बहुकोशिकीय जीवों में सभी सेल्स एक जैसी नहीं होती हैं। अलग अलग तरह की सेल्स अलग अलग काम करने के लिए विशेष होती हैं। इस प्रक्रिया को कोशिका भेदभाव कहा जाता है। कोशिका संचार। बहुकोशिकीय जीवों में सेल्स को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की जरूरत होती है, ताकि वे एक साथ मिलकर काम कर सकें। यह रासायनिक संकेतों के माध्यम से होता है। इन बदलावों ने अधिक जटिल और कुशल जीवों के विकास का रास्ता साफ किया। एक कोशिकीय जीवों की तुलना में बहुकोशिकीय जीव अपने पर्यावरण के प्रति बेहतर ढंग से अनुकूलित होते हैं और अलग अलग तरह के वातावरण में रह सकते हैं। जीवन की जटिलता, एक सेल से जटिल जीवों का निर्माण। बहुकोशिकता ने जीवन की जटिलता में बहुत ज्यादा वृद्धि की अनुमति दी। अलग अलग तरह की सेल्स के साथ ऊतक, अंग और तंत्र विकसित हुए, हर एक एक खास काम करने के लिए। इस विशेषज्ञता ने जीवों को अधिक कुशलता से काम करने और नए वातावरणों को जीतने की अनुमति दी। उदाहरण के लिए पेड़ पौधों में जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को सोखने के लिए विशेष होती हैं, जबकि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाती हैं। जानवरों में अलग अलग तरह की सेल्स मांसपेशियों के संकुचन, तंत्रिका आवेगों के संचरण और पाचन जैसे कामों को करने के लिए विशेष होती हैं। यह जटिलता और विशेषज्ञता जीवन की एक उल्लेखनीय विशेषता है, और यह सब उन एकल सेल से विकसित हुआ है जो अरबों साल पहले धरती पर रहते थे। निष्कर्ष एकता में बल। एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का विकास जीवन के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इसने जीवन की जटिलता, विविधता और अनुकूलन क्षमता में बहुत ज्यादा वृद्धि की अनुमति दी। यह हमें एकता में बल की ताकत के बारे में भी सिखाता है। जब सेल्स एक साथ आती हैं और सहयोग करती हैं, तो वे अद्भुत चीजें हासिल कर सकती हैं। आज हम अपने आसपास जीवन की अविश्वसनीय विविधता देखते हैं, एक कोशिका वाले बैक्टीरिया से लेकर विशाल भेल तक।
लेकिन यह मत भूलिए कि यह सब एक ही जगह से शुरू हुआ था, एक एकल सेल के साथ जिसमें जीवन की क्षमता छिपी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।